आपके सबके आंसर पेपर अभी तक मैंने देखे नहीं। एक्चुअली कल नेटवर्क का भी थोड़ा इश्यू था ना, इसलिए आज देख लेती हूँ। हाँ तो कल हमने क्या क्या पढ़ा, किसे याद आ रहा है? कोई रिवाइज करेगा? इसका नेटवर्क का प्रॉब्लम ना हो वो बोले तो अच्छा है। कोई खुद से कहे, हाँ मैडम मैं बोलता हूँ या बोलती हूँ। धनश्री आप ट्राई करोगे? गायत्री, नम्रता, एनीवन कैन ट्राई। 1 और 2 मिनट्स में हो जाएगा। देखो 1 मिनट तो अपना ऐसा ही हो गया। यस इन शॉर्ट कोशिश करेंगे तो भी हो जाएगा। चैट के मैं देखूं, नेटवर्क इशू है। अभिनव को ही नेटवर्क इशू है आज। सबके यहाँ पे थोड़ा थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आता ही है, क्या करें। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ तो एक बार फास्टली मैं ही ओवरलुक करती हूँ कि क्या क्या पढ़ाया वो बताती हूँ, क्योंकि ये लेसन भी 6 मार्क्स के लिए है। तो 6 मार्क्स के लिए हम इन शॉर्ट पढ़ाई करेंगे तो भी हो जाएगा। तो किस तरह से ये लेसन 6 मार्क्स के लिए है और हमें 6 आउट ऑफ 6 कैसे मार्क्स मिले, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिए ना। मार्क्स ओरिएंटेड तो स्टडी करेंगे तो भी। देखो अभी इसमें पहला टॉपिक एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, मतलब फूड प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। तो कौन कौन से वे से हम फूड इंक्रीज कर सकते। तो पहली वे थी प्लांट ब्रीडिंग, लेकिन वो उन्होंने निकाल दिया। तो हमें एनहांसमेंट का ये टॉपिक समझ में आने के लिए इंट्रोडक्शन दिया है, इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है कि जो नॉलेज ओरिएंटेड हो, एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो। जैसे घर में जाएंगे तो कुछ काम करेंगे ना, घर में जाने के पहले की प्रिपरेशन चल रही है, तो वो प्रिपरेशन के फॉर्म में उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंट्रोडक्शन के बाद ये टॉपिक था, लेकिन अभी आप कोरोना पीरियड में अटक गए हो इसलिए ये टॉपिक डिलीट किया है कि टिश्यू कल्चर, ये जो है ये पूरा का पूरा टॉपिक। फिर उन्होंने डायरेक्टली बता दिया यहाँ पे कि 11.5 में कि कैसे फूड इंक्रीज हुआ। तो फूड ओनली क्वालिटी क्वांटिटी नहीं इंक्रीज हुई, क्वांटिटी भी उसकी इंक्रीज हो गई। कि सपोज किसी ने ओनली राइस ही खाया तो राइस रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए होगा। किसी को ओनली व्हीट वैरायटी मिली है तो उस व्हीट में आयरन फोर्टिफाइड राइस है, वो मतलब आयरन इंक्रीज हो गया है। और वो कितने का अमाउंट में इंक्रीज हो गया, 5 टाइम्स इंक्रीज हो गया। सपोज किसी ने कैरेट और स्पिनाच खाया तो कैरेट और स्पिनाच में विटामिन ए मिलेगा। क्योंकि हम लोग एक्चुअली विक्टिम ऑफ डिसीज कब होते हैं, डिस ईज, उसका मीनिंग ये होता है। देखो डिसीज का स्पेलिंग ईज, ईज मतलब क्या, दैट पर्सन इज नॉट फीलिंग ईजी, और डिस मतलब नॉट कंफर्ट, नॉट कंफर्टेबल इज कॉल्ड एज अ डिसीज। तो हम किस कौन कौन से एंगल से इनकंफर्टेबल नहीं होते, तो जो हमें ज्वाइन हो रहे हैं ना बायोलॉजी में, अब भी जितने भी स्टूडेंट ज्वाइन हैं, सो दे दिस 11 स्टूडेंट्स दे फील समहाउ कंफर्ट, उनको थोड़ा सा कंफर्ट लगता है। या तो कुछ थोड़ा सा इंटेंशन भी रहता है कि हम रेगुलर लेक्चर अटेंड करेंगे तो निकम मैडम हमको 30 आउट ऑफ 30 प्रैक्टिकल में मार्क्स देगी। बहुत सारे चांसेस है, मतलब हर एक का एक अलग अलग व्यू रहता है लेक्चर अटेंड करने का। लेकिन पहला व्यू रहता है कि वी फील अ कंफर्ट जोन विथ मैडम, और मुझे आपके साथ कंफर्ट जोन लगता है। तो कंफर्ट जोन होना वो जरूरी है। तो कंफर्ट जोन हमें किस तरह से नहीं हो सकता, एक तो है कि नेटवर्क नहीं होगा तो डिसकंफर्ट होगा, तो हमें गुस्सा आएगा, क्या करेंगे, वो लेक्चर में रेंज ही नहीं आता है, मैडम क्या बोलती है वो सुनाई नहीं देता, तो वहां पे डिसकंफर्ट हो गया। फिर दूसरा डिसकंफर्ट क्या होता है कि जब आपका घर पे लेक्चर चालू है तो टीवी चालू है, मम्मी बात कर रही है, सब लोग बात कर रहे हैं, तो सेकेंड डिसकंफर्ट जोन हो गया। थर्ड डिसकंफर्ट जोन क्या हो रहा है, मैडम पढ़ा तो रही है लेकिन डिस्प्ले नहीं दिख रहा है, तो डिस्प्ले ना दिखने की वजह से डिसकंफर्ट जोन हुआ। चौथा है कि कुछ इंटरेक्शन ही नहीं होता,
मैडम क्या पढ़ाती है वो सुनाई भी नहीं देता, मैडम से हम बात भी नहीं कर सकते, कुछ चैट भी नहीं कर सकते, कुछ कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते, तो दैट इज डिसकंफर्ट जोन। तो वैसे ही बहुत सारे डिसीज हमें अटैक करते हैं, लेकिन ये जो लेसन है हमारा वो फूड ओरिएंटेड है ना, तो हमारी बॉडी ओरिएंटेड है कि हमारी बॉडी में कैसे स्ट्रेंथ आ जाए, हमारे बॉडी में कैसे वाइगर आए, हमारे बॉडी में कैसे वाइटलिटी आए। तो ये कौन लेके आ सकता है? सपोज धीरूभाई अंबानी, उनके लड़के जो अनिल अंबानी नहीं है या तो मुकेश अंबानी है, अगर उनको लगा कि रिच सोर्स ऑफ फूड लेना है तो वो ले सकते, वो डायरेक्ट रिच सोर्स ऑफ फूड का कोई कैप्सूल मिलेगा तो वो भी खरीद सकते हैं। लेकिन उसी एरिया में धारावी में कोई ऐसा रहेगा कि उसको 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही होगी, तो जो ऊपर बैठे हुए लोग जो है नेशनल लेवल पे, वो ऐसा नहीं सोचते कि उनको ही मिलना चाहिए, मतलब जो रिचेस्ट पर्सन है सबको मिलना चाहिए, तो सबको इजी कैसे हो, इस तरह से फूड इंक्रीज किया गया और वो मेथड आई दैट इज कॉल्ड एज ए बायो फोर्टिफिकेशन। तो बायो फोर्टिफिकेशन मोस्टली किसके लिए यूटिलाइज हो गया है? टू इंक्रीज द न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ प्लांट, प्लांट की न्यूट्रिएंट वैल्यू इंक्रीज हो गई है। लेकिन सब लोग क्या प्लांट को नहीं खाते ना? आपको हमारा आवाज सुनाई दे रहा है अभी ना, म्यूट करो। हाँ, तो मोस्टली क्या होता है, ये जो बाकी के सब प्रोसेस रहेंगे, सपोज सी शोर पे रहते हैं, समंदर के किनारे रहते हैं, तो वो लोग लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाएंगे ओनली, ओके, तो वो लोग एनिमल को यूज करना चाहेंगे, तो क्यों ना एनिमल का फूड इंक्रीज हो जाए। तो एनिमल का फूड मतलब देखो सिंपल सा, अगर हमने हनी भी कहा तो एनिमल फूड है ना ये, तो हनी तो हमको हम सब मेडिसिन में चाहिए, आयुर्वेद के सब मेडिसिन में चाहिए, पर्गेटिव करके बॉडी में चाहिए, वो भी छोड़ दो। सपोज मिल्क ही कहा, तो सुबह से अर्ली इन द मॉर्निंग से लेके मतलब रात को सोने तक हमें मिल्क अरे अलग अलग फैक्ट्री में चाहिए, मिल्क चाहिए, कर्ड चाहिए, बटर चाहिए, बटर मिल्क चाहिए, चीज चाहिए, कुछ ना कुछ फैक्ट्री में डेली मिल्क यूज हो रहा है। तो हर एक के घर में कम से कम 1.5 लीटर, कम से कम 1/2 लीटर भी मिल्क पकड़ा जाए तो 10 घर होंगे, तो वहां पे 5 लीटर मिल्क की जरूरत है। तो 5 लीटर मिल्क की जरूरत है मतलब 2 काउस की जरूरत है, तो सोचो 10 घर के पीछे 2 काउ चाहिए, तो हम लोगों को कितने काउ को ग्रो करना पड़ेगा तभी वो मिल्क की सफिशियंसी प्रोवाइड होगी। तो इतने तो काउस है नहीं, उतना तो मिल्क आता नहीं है, तो मिल्क को कैसे इंक्रीज किया जाए? तो उसके लिए एनिमल हस्बेंड्री आया कि ये बेसिक नीड है, सबको चाहिए मिल्क। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आता है, फॉर एग्जाम्पल फिश चाहिए, लेकिन फिश तो फिशरमैन जाएगा तो वो उसे लेगा ना, उसे पकड़ेगा, ट्रैप करेगा तो मिलेंगे, तो अगर उसको ट्रैप करके मिलेंगे नहीं तो वो फिश की डिमांड कैसे फुलफिल होगी? तो फिश की डिमांड फुलफिल होने के लिए फिर हमको क्या करना पड़ता है? एक्वा कल्चर करना पड़ता है, मतलब हम लोगों को खुद का मोनोकल्चर करना पड़ेगा, फिश को कल्टिवेट करेंगे। लेकिन ये भी टॉपिक अपने सिलेबस से गया, मतलब एनिमल हस्बेंड्री में जैसे कि एनिमल को कल्टिवेट करो, एनिमल को ग्रो करो, तो एनिमल को इस तरह से कल्टिवेट करो, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस करो, मल्टीपल ओव्यूलेशन प्रोसेस करो, या तो बीज को कीप करो, डेयरी को मैनेज करो, डेयरी मैनेजमेंट सीखो, पोल्ट्री को रखो, चिकन रखो ताकि एग हमें मिले, फिर उनको डिसीज हो गए उनसे कैसे प्रोटेक्शन होगा, हनी चाहिए। तो लेकिन ये सब हमारा एनिमल हस्बेंड्री का टॉपिक चला गया, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है ताकि हमें ये सब मिलेगा फूड करके। फिर ये दूसरा पॉइंट हुआ कि प्लांट को हाइब्रिड किया, प्लांट को कल्टीवेट किया, हाँ, तो उस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन आया यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री, उस पे नहीं आया, वो सिलेबस में से गया। तो रहा क्या वहां पे सिलेबस में, अभी पढ़ने के लिए एग्जाम में, एक्चुअली वहां पे एग्जाम ओरिएंटेड अगर आप सोचेंगे 6 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए, मतलब 6 मार्क को डिस्ट्रीब्यूट करना सोचेंगे तो 2 मार्क के लिए ओनली एक ही टॉपिक रहता है, बायो फोर्टिफिकेशन। और बायो फोर्टिफिकेशन क्या है वो आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? जस्ट ऑल ऑफ यू हैव टू चैट मी, तो मेरा ध्यान आपके चैट की तरफ भी रहता है, ओके, फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन गुडनेस। तो यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर के लिए हमने ये सोचा, यस। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि अगर इतने सारे एनिमल को कल्टिवेट करेंगे, सपोज एक फॉरेस्ट लगाएंगे तो फॉरेस्ट से हमें एक वुड कितना मिलेगा, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो स्मॉल क्वांटिटी में भी यूज करेंगे। तो पूरा सपोज एक पॉट रखा हम लोगों ने, एक प्लेट लिया छोटा सा, सपोज ये टेक्स्ट बुक के साइज का ये प्लेट लिया, तो इस टेक्स्ट बुक के साइज में अगर हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दिन में फास्ट ग्रो होते, विद इन मतलब 7-8 घंटे में ग्रो होते हैं, तो जल्दी से हमें बहुत बड़ा कैप्सूल मिलता है, बहुत सारा रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है।
तो फिर इसलिए ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे आया, और उसका इफेक्ट भी फास्ट होता है। तो ह्यूमन यूज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर वेलफेयर ऑफ देयर ओन। तो ह्यूमन का इंटेलिजेंस है ना, पूरे एनिमल में, पूरे प्लांट में, एनवायरनमेंट में, जितने भी एनिमल है उसमें टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट अगर कोई एनिमल है, रैशनल एनिमल है, तो वो ह्यूमन बीइंग है। तो ह्यूमन बीइंग का समझ में आता है कि किस तरह से किस चीज को यूटिलाइज किया जाएगा, और वो ही ह्यूमन बीइंग्स कर रहे हैं। तो माइक्रोब्स यूज एज अ फूड, ये कल टॉपिक हमारा हुआ, तो वही उसमें क्या हुआ, सपोज मिल्क है, तो मिल्क में माइक्रोब्स को ग्रो करो, कर्ड बनाओ, योगर्ट बनाओ, बटर मिल्क बनाओ, चीज बनाओ। फिर उसके बाद माइक्रोब्स को खाओ, SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। उसके बाद माइक्रोब्स को ग्रो करो, सच एज मशरूम को ग्रो करो। उसके बाद माइक्रोब्स यूज करो इंडस्ट्रियल पर्पज पे। कैसे याद आ रहा है, कोई चैट करेगा, इंडस्ट्रियल पर्पज में कौन कौन सा हुआ था, जल्दी जल्दी, पहला कौन सा हुआ था इंडस्ट्रियल पर्पज में, अल्कोहल को बनाना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बीवरेज प्रोडक्ट। सेकेंड क्या हुआ, माइक्रोब्स को कहाँ पे यूज किया, ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म करना, यस, हाँ, ऑर्गेनिक एसिड आनस, गुड। फिर तीसरा कहाँ पे किया फॉर्मेशन, वेरी गुड कृषिका, विटामिन फॉर्मेशन, हाँ नम्रता, विटामिन। फिर उसके बाद फोर्थ वन, माइक्रोब्स को हम आगे कहाँ पे यूज किए, एंटीबायोटिक्स, हाँ गायत्री, शाबाश नम्रता, हाँ ये अनस, एंजाइम्स। और फिर और एक लास्ट टॉपिक रह गया क्या बनाने के लिए, एंटीबायोटिक्स हो गया गायत्री, यस यस, गुड नम्रता। और एक लास्ट टॉपिक जिबरलिन, वेरी गुड। तो ये अनस से आंसर आया कि इस तरह से हमने माइक्रोब्स को बनाया। और जिबरलिन क्यों बनाया हम लोगों ने माइक्रोब्स को यूज करके, ओके, क्यों बनाया बताओ, दैट इज जिबरलिन इज यूज एज ए प्रमोटर, है ना, ग्रोथ हार्मोन है। तो प्लांट में फास्टली ग्रोथ होने के लिए वो जिबरलिन चाहिए, ताकि जितना फास्ट प्लांट ग्रो होगा उतनी जल्दी हमें फूड मिलेगा। तो ये ह्यूमन ने देखा, तो दिस इज आवर, हाँ यस, ग्रोथ के लिए, बराबर है अनस। तो ये हमने क्या देखा कि हमें हमारी जो नेसेसिटी है वो देखनी चाहिए। तो अभी हम दोनों जो कांटेक्ट में आए, स्टूडेंट और टीचर, तो हम दोनों का भी थोड़ा सेल्फिश एक्सपीरियंस है ना, इसलिए, तो क्योंकि हमें सैलरी मिल रही है आपको पढ़ाने से, तो हमारा एक सेल्फ डिजायर है। आप क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपको बोर्ड का एग्जाम देना है और मार्क्स अच्छे मिलाने हैं। तो इस तरह माइक्रोब्स का यूज हुआ। अब दूसरा है, मतलब ह्यूमन बींग का यूज हुआ, सॉरी, हम दोनों का। अब दूसरा एग्जाम्पल क्या है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। तो माइक्रोब्स को, ये जो कैटल डंग है, ह्यूमन एक्सक्रेटा है, घर का पानी है, आप सोचो अगर कोई गटर के पास भी हम क्रॉस ऑन होते हैं ना, तो हम जल्दी से नैपकिन को लेते हैं, इतना हमें गंदा स्मेल आता है। तो अगर उस गंदे स्मेल के एरिया के कांटेक्ट में हमें रहना पड़ेगा, तो हमें वो हार्मफुल लगेगा, हमारे हेल्थ के लिए भी डिस्कम्फर्ट जोन है। तो साइंटिस्ट ने ये भी ढूंढा कि ये जो कचरा पानी जा रहा है उसे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और उसे रिसाइकल किया जा सकता है। तो वो टॉपिक लेती हूँ अभी, देखो, सीवेज इज अ मैटर व्हिच इज कैरिड ऑफ ड्रेनेज एंड इट इज अ म्युनिसिपल वेस्ट। तो सीवेज में क्या होता है, सीवेज का मीनिंग क्या है, तो सीवेज का मीनिंग कि उसमें म्युनिसिपल वेस्ट होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, हाउस होल्ड वेस्ट है, डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर एंड अदर पैथोजेनिक माइक्रोब्स, लाइक जिससे डिसीज होंगे, लाइक बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, नेमेटोड एंड फंगाई। इट इंक्लूड डिस्चार्ज वाटर फ्रॉम हॉस्पिटल वेस्ट ऑल्सो। तो हॉस्पिटल में भी देखो कितना गंदा पानी निकलता है, स्लॉटर हाउस जहाँ पे मतलब मीट कट किया जाता है, मतलब एनिमल्स को कट किया जाता है, वहां पे स्लॉटर हाउस का जो वेस्ट रहेगा। फिर एनिमल डंग जो रहेगा, एक्सक्रीटा ऑफ एनिमल जैसे सच एज कैटल डंग है, तो ये सब डिस्चार्ज होके एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है, और पूरा का पूरा वो एक्सक्रीटा पे ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो उन्होंने वो कहा है कि सीवेज में क्या क्या रहते हैं, सीवेज में 95 to 99%, 99 अप्रोक्सीमेटली, 99.5 to 99.9% वाटर है, फिर 0.1 to 0.5% इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर है। नेचुरली ये ह्यूमन एक्सरेटा है ना, ह्यूमन वेस्ट है, तो उसमें सब इनऑर्गेनिक वेस्ट ही रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने और भी कहा है, सच एज कंपनी रहेगी, इंडस्ट्रीज रहेगी, तो सच एज टेक्सटाइल है, केमिकल है, फार्मास्यूटिकल है, डेयरी है, कैनिंग है, ब्रेविंग, मीट पैकिंग है, टैनरी, ऑयल रिफाइनरीज एंड मीट इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो इनका सब वेस्ट वहां पे कलेक्ट होता है। तो हमको क्या समझ में आया, सीवेज मतलब क्या समझ में आया हम लोगों को, द मैटर विच इज कैरिड ऑफ इन ड्रेनेज, जो ड्रेनेज में डाला जाता है, फेंका जाता है, उसे यूज नहीं करते, उस मैटर को हम सीवेज कहते हैं। और उस सीवेज में मोस्टली क्या रहता है, वाटर और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो
उसमें कौन ग्रो होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं। बैक्टीरिया कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मोस्टली हमने पहले कहे जो पैथोजेनिक है वो सब ग्रो होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द सीवेज, वो सीवेज पे कौन सा कंस्टिट्यूएंट है उसके ऊपर उस बैक्टीरिया की ग्रोथ डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल कॉलोनी फॉर्म्स फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई, एनेरोबिक स्पोर फॉर्मिंग बैसिलाई एंड अदर टाइप्स ऑफ ओरिजिनेटिंग इन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमंस। तो उन्होंने कहा है कि जैसे ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई बैक्टीरिया रहते वो रहेंगे कॉलोनी फॉर्म करने वाले फीकल स्ट्रेप्टोकोकाई। उन्होंने दिया भी कि ह्यूमन एक्सरेटा में कौन सा बैक्टीरिया है, तो स्ट्रेप्टोकोकाई एनेरोबिक स्पोर फॉर्मिंग बैसिलाई है। तो दीज बैक्टीरिया विच आर अवेलेबल इन द वेस्ट वाटर दैट इज दैट आर यूज एक्चुअली टू डिकम्पोज द मटेरियल दैट कैन बी ट्रीटेड प्रॉपरली सो एज टू रिमूव द ऑर्गेनिक मैटर। तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है वो उसमें से निकाल देंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट को निकाल देंगे, पैथोजेंस भी निकाला जाएगा। तो कैसे किया जाता है ये प्रोसीजर, कैसे सीवेज ट्रीटमेंट होती है? तो उन्होंने सीवेज ट्रीटमेंट की पहले ट्रीटमेंट को नाम दिया है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट। कोई बोलेगा व्हाट इज सीवेज, सीवेज मींस व्हाट? वेस्ट, बट व्हाट टाइप ऑफ वेस्ट, हम उसको वेस्ट किस तरह का है वो? मोस्टली लिक्विड फॉर्म वेस्ट है विच इज कैरिड ऑफ इन कहां पे कहां गया है, वेयर दैट वेस्ट इज रिलीज्ड। देखो हमारे घर पे भी वेस्ट होता है ना, लीफी वेजिटेबल का भी वेस्ट होता है। अगर भाजी लेके आए ना तो भाजी को चॉप करते फिर बाकी का कचरा निकालते, बराबर है? लेकिन वो वेस्ट है ना, वो वेस्ट सीवेज वेस्ट में नहीं आता, वो सॉलिड वेस्ट में जाता है। तो वेस्ट विच इज ड्रेन्ड ऑफ कैरिड ऑफ इन अ ड्रेनेज, वो ड्रेनेज में डाला है, इस तरह से ड्रेन किया है। तो उस वेस्ट को हम लोगों ने कहा है सीवेज वेस्ट, इफ्लुएंट वेस्ट जो है वो। अब उसमें पहले ट्रीटमेंट क्या की, देखिए देखो, पहले इंक्लूड स्क्रीनिंग एंड द ग्रीट चेंबर। तो स्क्रीन करना मतलब क्या, सीवेज जो है वो प्लेंटी ऑफ सस्पेंडेड फ्लोटिंग मटेरियल रहते हैं उसमें, कोर सॉलिड पार्टिकल है अलोंग विथ, अभी हम तो यहाँ पे ऐसे ही डालते हैं, लेकिन जैसे वो गटर में जाएगा तो गटर में जाने के बाद उसके अंदर पत्ते भी आ जाएंगे, पत्थर भी आ जाएंगे, कंकड़ भी आ जाएंगे, प्लास्टिक भी आ जाएगा, तो सब कुछ आएगा। तो ये पूरा गटर का पानी ऊपर एक मेशवर्क डाला रहेगा और वो मेशवर्क डाल के नीचे छोड़ा जाएगा ग्राउंड में। तो जैसे डाला जाएगा तो मेशवर्क में क्या होगा, वो सॉलिड पार्टिकल ट्रैप किए जाएंगे। तो पहली प्रोसेस कही है स्क्रीनिंग करना। स्क्रीनिंग करना मतलब क्या, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को फिल्टर करना, एंड दीज आर रिमूव्ड, दिस इज डन इन स्क्रीनिंग चेंबर, एंड द सीवेज इज पास थ्रू द स्क्रीन और नेट इन द चेंबर, एंड लार्ज सस्पेंडेड और फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट आर हेल्ड बैक इन द स्क्रीनिंग। तो वो जो बड़े बड़े कंटेनर से वो सब कचरा ऊपर रह गया वो बाहर निकाल देते हैं। फिर उसके बाद दैट हैव बीन रिमूव्ड बिफोर द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, तो निकला ऊपर से नेट से। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, चाय को कैसे फिल्टर करते हैं, वो छाछनी रहेगी ना तो उसमें चाय का पत्ती ऊपर रह जाता है और चाय नीचे आ जाता है, वैसे ड्रेनेज का पानी उस नेटवर्क में डाला जाएगा तो जो कचरा है वो ऊपर रह जाएगा। After screening, the filtered sewage in then pass into the series of grit chambers. तो एक-एक chambers है, जैसे देखो यहाँ पे west गया, screening गया, screen के बाद यहाँ पे diagram में दिया है, देखो the grit setting, एक second, first second, third, ऐसे setting रहेंगे, अलग-अलग container, मतलब ये एक यहाँ पे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसे इसमें वो पानी पास किया जाएगा। तो अलग-अलग एक-एक grit chamber में डाला जाएगा। तो एक-एक chamber में क्या है, These chambers contain large stone. तो पहले चेंबर में पत्थर रहेंगे, कंकड़ रहेंगे बड़े बड़े, एंड द ब्रिक बालास्ट दैट इज कोर्स पार्टिकल सेटल डाउन बाय ग्रेविटी। तो पेबल्स में, वो कंकड़ में जो कोर्स पार्टिकल्स है ना वो चिपक जाएंगे, उसमें अटक जाएंगे, तो पानी फिल्टर होगा इनडायरेक्टली। द पैसेज ऑफ फिल्टर सीवेज रिमूव्स much of the coarse particulate material. तो उसमें जो चिपचिपापन रहेगा, जो particulate matter रहेंगे, वो आगे के टैंक में जाएंगे और आगे जाके उसके ऊपर प्रोसेस होगी। तो सबको क्लियर हो रहा है,
कि वो जो सीवेज वेस्ट है मतलब हमारा गटर का पानी, ऐसे समझो हम लोगों का बाथरूम का टॉयलेट का जो गटर का पानी आता है वो, उसको पास ऑन किया जा रहा है एक बड़े से टैंक में, वो एक बड़े से ट्रीटमेंट है वो। उस ट्रीटमेंट में से पहली ट्रीटमेंट हो गई, उसको स्क्रीन किया मतलब जाली लगा के उस पानी को बस फिल्टर किया। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्या बोलेंगे उसे, ये क्या बोलते हैं, बना ब्रिक से बना के ऐसे क्या रखे हैं, क्या कहा जाएगा उसको, तालाब जैसे बनाते हैं ना हम लोग, चौकोन करके बना के रखेंगे ऐसे, और उसमें से ओनली पानी को पास करते जाएंगे। लेकिन किसी में वो पत्थर कंकड़ रहेगी, किसी में सॉफ्ट रहती रहेगी, किसी में और रहेगा, और पूरा का पूरा पानी फिल्टर होके एकदम जो क्लियर रहेगा सपोज, लेकिन वो क्लियर नहीं है, इन दैट ऑर्गेनिक मटेरियल इज प्रेजेंट, वो पहले ट्रीटमेंट में जाएगा, दैट इज पास थ्रू द फर्स्ट फिजिकल ट्रीटमेंट। सो देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट इज कॉल्ड एज ए फिजिकल ट्रीटमेंट, जहां पे बैक्टीरिया नहीं होंगे, कुछ कंटेनर है उसमें से वो प्योरीफाई होते जा रहे हैं, दैट इज पंप इनटू द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो ये जो पहला जो वाटर आया था जो कोर्स पार्टिकुलेट मैटर को पकड़ के, लेकिन वो गंदा ही पानी है ना एक्चुअली देखा जाए तो वो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में डाला जाया है। सस्पेंडेड सॉलिड एंड ऑर्गेनिक मैटर ऑकर्स इन दिस टैंक, उस टैंक में ही सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर है, अबाउट 50-70% ऑफ सॉलिड सेटल डाउन। तो जैसे हमारे घर में भी देखो, आप घर पे भी करके दे सकते हो, अगर किसी गड्ढा क्या बोलेंगे माटी मट्टी डाला हुआ पानी रहेगा ना, तो धीरे 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 पूरा मट्टी नीचे सेटल डाउन होता है और ऊपर एकदम क्लियर पानी आता है। तो वैसे ये जो पानी है इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल बहुत है, तो ऑर्गेनिक मटेरियल नीचे नीचे सस्पेंडेड होता, नीचे जाएगा सॉलिड पार्टिकल, और ऊपर एकदम क्लियर वाटर बाहर निकलेगा। एंड देयर इज रिडक्शन ऑफ अबाउट 30-40% ऑफ दी कैलीफॉर्म ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिजम्स है जो ऑर्गेनिक मटेरियल में ग्रो हो रहे हैं उनका रिडक्शन होगा। एंड नाउ द ऑर्गेनिक मैटर विच इज सेटल डाउन दैट इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी स्लज। स्लज मतलब वो नीचे गाढ़ा हुआ हुआ कचरा, दैट इज कॉल्ड एज ए स्लज विच इज रिमूव्ड बाय मैकेनिकली ऑपरेटेड डिवाइस। तो ह्यूमन बींग कहेंगे वो पानी निकला गया, पानी जैसे जैसे नीचे आगे जाएगा तो वो पूरा हम खींच के निकाल सकते हैं, वैक्यूम से निकाल सकते हैं वो क्लच को। तो इसलिए कहा है उन्होंने मैकेनिकली ऑपरेटिंग डिवाइस। एंड सुपरनेटेंट जो ऊपर इफ्लुएंट आया है दैट इज प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक स्टिल कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर देन रिमूव्ड बाय द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ क्या, मुझे बताओ, मैं टॉपिक क्या पढ़ा रही हूँ आप सबको, सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ा रही हूँ, क्लियर हो रहा है? सीवेज मतलब इफ्लुएंट विच इज ड्रेन्ड आउट, हाँ वो ड्रेनेज सिस्टम में जाने वाला, इन सिंपल क्लियर हो रहा है? हाँ यस नम्रता, थैंक यू। हाँ पहला फिजिकल ट्रीटमेंट तक है ये सभी नाउ, थैंक यू। तो पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सीवेज में, उन्हें यूज करना है किस लिए, ट्रीटमेंट के लिए, उसको प्यूरिफाई करने के लिए। ड्रिंकिंग वाटर के फॉर्म में तो वो नहीं जाएगा, पर एटलीस्ट वो रिसाइकल होगा, एज अ कूलिंग एजेंट आएगा। कुछ भी नहीं यूज हुआ तो वही वाटर प्रॉपरली रेन आने के लिए, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होने के लिए वो मेंटेन करेगा। वाटर की ग्रेविटी, वाटर बोलते हैं ना हम लोग, ग्राउंड वाटर जो आपको बोरिंग लगाते हैं वो, उसके लिए तो एटलीस्ट वो काम होगा। तो इस तरह से प्रोसीजर हो रही है। तो पहले ट्रीटमेंट हो गई प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, उसमें पहला स्क्रीनिंग भी हो गया, फिर उसके बाद ग्रिप चेम्बर में डाल के भी हो गया, फिर मैकेनिकल ट्रीटमेंट हो गई, दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट हो गई। अभी क्या हुआ, वो जो क्लियर वो सुपरफिशियल वाटर था, वो सुपरफिशियल वाटर नेक्स्ट में जा रहा है। देखो डायग्राम से भी क्लियर हो रहा है आपको, रिमूव यहाँ पे सॉलिड मटेरियल हुआ, रिमूवल ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल एंड प्राइमरी ट्रीटमेंट से सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जा रहा है। देखो तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट ब्लू से दिखाया है, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, द इफ्लुएंट विच इज पास इन टू लार्ज एरिएशन टैंक। तो वो जो उसके इफ्लुएंट निकला था, वो पानी निकला है, वो बहुत सारे एरिएशन टैंक में डाला जाएगा। मतलब ऐसे समझो कि पानी में फैन घूम रहा है, जैसा हमारे दीवार पे फैन घूमता है ना, वैसे पानी फैन की वजह से घूम रहा है, उसमें बहुत सारी हवा दी जा रही है, मतलब ये कॉन्स्टेंटली एक रोटेटिंग चेम्बर है, उस चेम्बर में उस इफ्लुएंट को, ऊपर का जो पानी आया था उसको डाल रहा है, डाला जा रहा है। डाला जाने की वजह से क्या हो रहा है, मैकेनिकली एंड एयर इज पंप इन टू इट, तो उसके अंदर हवा जा रही है, वो पानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा हवा मिक्स हो रही है। सो हवा मिक्स होने की वजह से क्या होगा, जहां हवा है वहां पर हवे यूज करने वाले बैक्टीरिया रहेंगे,
जहाँ पे इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जहाँ पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी है, वहां पे एनएरोबिक बैक्टीरिया रहेंगे। लेकिन अभी हम यहाँ पे मैकेनिकली चक्का घुमा रहे, पानी को घुमा रहे, ऐसे समझो। हम हाथ में डाल के देखो, अगर आपने किया होगा ना घर पे, कोई बड़ा कंटेनर रहेगा उसमें हाथ डालेंगे ना तो पानी ऐसे जोर जोर से घूमता है, तो वैसे ही वही पानी ऊपर से चक्के में घुमा रहे जोर जोर से, तो घूमते घूमते उसके अंदर एयर भी मिक्स हो रही है। एंड नाउ द एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो वाइगरसली एंड फॉर्म अ फ्लॉक। अब वो क्या करते हैं, बहुत फास्टली एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होते हैं और ऊपर उनका फ्लॉक बनता है, उनका लेयर बनता है। सबको क्लियर हो रहा है? वो जो प्राइमरी इफ्लुएंट आया था वो सेकेंडरी टैंक में डाला है हमने, ऊपर का पानी, और उस ऊपर के पानी को एरिएशन किया है, मतलब बहुत सारी हवा दे रही है, मैकेनिकली दे रहे हैं, तो हवा की वजह से उसमें एरोबिक बैक्टीरिया, यस थैंक यू धनश्री, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं। उनका ग्रो हुआ वो समझ में कैसे आएगा कि एरोबिक, हाँ इमेजिन हो रहा है, थैंक यू। तो वो उनका ग्रो जो हो रहा है वो कैसे समझेगा, उनका फ्लॉक आ रहा है ऊपर, उनकी एक लेयर, उनकी एक परत बन रही है उस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। एंड नाउ द फ्लॉक्स आर द मासेस ऑफ बैक्टीरिया हेल्ड टुगेदर बाय द स्लाइम एंड फंगल हाइफे। तो पूरे के पूरे बैक्टीरिया ऊपर ऐसा अपना मेशवर्क बना देते हैं। अब नाउ दीज एरोबिक माइक्रोब्स कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। उनको बहुत सारा खाना मिल रहा है ना, उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर है, तो उनका जैसे हम लोग बोलते हैं ना, कैसे बोलेंगे, मिल्क रहता है, देखो अगर बफेलो का मिल्क रहेगा ना और उसको स्लो गैस पे बर्न करेंगे ना, तो उसके ऊपर क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मलई, उसके ऊपर मिल्क के ऊपर आती है। तो वैसे यहाँ पे इस बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है और उनकी इतना थिक लेयर ऑफ फ्लॉक बनता है और उनकी फास्ट ग्रो हो रही है। That all microorganism consume the major part of organic matter present in the effluent as they grow, उतने जितने fast grow होते जाते, तो वो aerobic bacteria उस पानी का oxygen खाते जाते हैं। So due to this, biological oxygen demand of that effluent is sufficiently or significantly reduced. तो biological oxygen demand जो है, oxygen कम होता है, पूरा का पूरा ऑक्सीजन कौन ले रहा है, वो बैक्टीरिया यूटिलाइज कर रहे हैं ना उसमें के, तो बीओडी इज कम्प्लीटली रिड्यूस्ड, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हुआ। तो एक लाइन यहाँ पे आ रही है एमसीक्यू के लिए, फ्लॉक माने क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया का फास्ट कल्चर होना, दैट इज कॉल्ड एज ए फ्लॉक, और उस फ्लॉक का ग्रो होना दूसरा मैकेनिकल रीजन दिखा रहा है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन उसका डिमांड रिड्यूस कर रहा है, ये सेकेंड आया। क्लियर हो रहा है सबको? यस प्लीज ऑल ऑफ यू रिप्लाई मी, अभी अपने पास टाइम भी कम है। ओके, अब नेक्स्ट ट्रीटमेंट कौन सा आया? हाँ यस अतुल, ओके। तो यहाँ पे नेक्स्ट ट्रीटमेंट कौन सा आया, टर्शरी ट्रीटमेंट। अब टर्शरी में क्या हो रहा है, वंस द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज रिड्यूस, इट इज पास इन टू सेटलिंग टैंक। अब जो फ्लॉक तो ऊपर ही रह जाएगा ना, वो जो कचरा है गाढ़ा वो ऊपर ही रह गया, उसके नीचे से सपोज ऐसा क्या बोलेंगे, ये बर्तन है सपोज, ये पेंसिल वाला मेरा हाथ ये बर्तन है ऐसे समझो। अब मैंने यहाँ से होल किया ना, तो पानी यहाँ से बाहर निकलेगा ना पेंसिल से, बराबर है क्या, ये विजुलाइज हो रहा है आपको? तो ये पूरा टैंक है ना, और टैंक के ऊपर फ्लॉक बना है, ऊपर पूरा पूरा बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है। अब मैं टैंक को यहाँ से पाइप लगाई हूँ, तो ऊपर का जो टैंक के नीचे का पानी है वो निकलता जाएगा ना, क्लियर हो रहा है मैं जो बोल रही हूँ? टैंक में अगर यहाँ पे पाइपलाइन है तो पाइप पानी कहां से निकलेगा, पाइपलाइन से निकलेगा ना, हाँ यस ओके। तो वो जो पानी है वो नीचे निकाला जा रहा है और वो टर्शरी टैंक में डाला जा रहा है, नेक्स्ट टर्शरी ट्रीटमेंट में आ रहा है। देखो, वंस द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर इज रिड्यूस, इट इज पासिंग टू द सेटलिंग टैंक। अब वो पानी सेटलिंग टैंक में जा रहा है, एंड हियर द बैक्टीरियल फ्लॉक्स आर अलाउड टू सेडिमेंट। अब वो बैक्टीरियल फ्लॉक को अलाउड किया, अगर उसमें है तो सेडिमेंट होने दिए जाते हैं। The sediment is now called as activated sludge. अब वो जो sediment नीचे जो गाढ़ापन आ गया है, that is called as a sludge. जैसे यहाँ पे ऊपर भी हमारा sludge हुआ था, जैसे यहाँ पे भी वो sediment होके sludge हो गया. And small part of this is passed back into the aeration tank. उसमें से फिर से reverse pipe है कि वो aeration tank में जाएगा, फिर से घूमेगा, फिर से उसका flock होगा, एक ही झटके में वो नहीं हो सकता ना सारा. And the major part is pumped into large tank. That is called as aerobic sludge digester. तो बहुत सारा पानी जो नीचे से हमने निकाला है वो फिर से नीचे डाला जा रहा है, लेकिन अब उसमें देखो anaerobic sludge digester है, क्योंकि उसके aerobic bacteria ने उसे खा लिया है। अब जो बाकी के रहेंगे
वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाले रहेंगे. एंड इन दिस टैंक्स एनेरोबिक बैक्टीरिया ग्रो एंड डाइजेस्ट द बैक्टीरिया फंगाई इन द स्लज. अब उसमें जो बैक्टीरिया है उसे सब खाना स्टार्ट करेंगे. सबको क्लियर हुआ ये? ये देखो, पहला सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, हमने पानी लाया प्राइमरी ट्रीटमेंट से. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने क्या किया? एरिएशन किया. एरिएशन करते ही एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई. एरोबिक बैक्टीरिया ग्रोथ होने के बाद वो जो ऊपर है उसे वैसे रख दिया, और वो जो ट्रीटेड इफ्लुएंट था वो नीचे आया, और नीचे आने के बाद यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया एनएरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है. और वो सब एनएरोबिक बैक्टीरिया के डाइजेस्टर टैंक में आने के बाद एनएरोबिक बैक्टीरिया जो भी वेस्ट है उसे खा रहे हैं. अब खाने के बाद नाउ दैट स्लज केक टू डिस्पोज. अब जो स्लज आया है, जो वेस्ट मटेरियल आया है उसका, ऊपर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही है, वो बाद में स्लज हम डिस्पोज कर सकते हैं एज अ केक. जैसे कैटल डंग का केक आता है ना, वो डालेंगे तो मिट्टी में उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा, और वो जो वाटर है दैट इज क्लोरिनेटेड वाटर, कील पैथोजन क्रिया हुआ, दैट इज यूज फॉर द रिसाइकलिंग, फिर से यूज होगा. देखो, नाउ इन दिस टैंक द एनरोबिक बैक्टीरिया ग्रो एंड डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड फंगा इन द स्लज. ड्यूरिंग दिस एनरोबिक डाइजेशन गैसेस सच एज मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस. ये सेकेंड क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू के लिए कि उसमें कौन से गैसेस फॉर्म हो रहे हैं. द इफ्लुएंस फ्रॉम दीज प्लांट्स आफ्टर क्लोरिनेशन. अब जो इफ्लुएंट आया, जो पानी है उसमें हम लोगों ने क्लोरीन ऐड किया, एंड नाउ इट इज रिलीज इन टू नेचुरल वाटर बॉडी. नेचुरल बॉडी वाटर बॉडी लाइक रिवर स्ट्रीम जो भी है, तो रिवर भी सेफ रह गए ना. अगर हम रिवर में ये सब गंदा पानी डालते थे तो यूटिलाइज नहीं होता था. तो इसलिए उसका केक मिल गया, स्लरी मिल गई, और वो नेचुरल वाटर करके रिवर में भी छोड़ा गया. एंड दिस क्लोरिनेटेड किल्स द पैथोजेनिक बैक्टीरिया. Digested sludge is then disposed. उसके बाद ही उससे dispose किया जा सकता है, till that disposed नहीं किया जाएगा. तो देखो, human ने ये human के लिए best ढूंढ के निकाला. ये human किसका excreta कौन create कर रहा है? Human ही कर रहा है. Domestic waste कौन create कर रहा है? Human ही कर रहा है. सब कौन कर रहा है? Human ही कर रहा है. जैसे ये कोरोना आया किसकी वजह से? हमारी ही activity से आया है ना. हम ही घर पे बैठे हैं, हमारी ही एक्टिविटीज से हम ही इसका सोल्यूशन ढूंढेंगे, हम ही वैक्सीन निकालेंगे, हम ही बाहर निकलेंगे. तो इस तरह से ये ट्रीटमेंट हुआ. आज का पेपर कौन बनाएगा, खुद से बताओ. अब मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी. हाँ, एक्चुअली मुझे लेसन लेना है मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला, लेकिन अभी क्या इसको स्टार्ट करी हूँ ना, इसलिए सोचा इसी को कम्प्लीट करती हूँ. इस बोलो कोई को पेपर निकालेगा? धनश्री काढशील तू? मोस्टली सगळे काढतात ना, शांभवी वगैरे काढते, अनस काढतो, म्हणून म्हटलं. जमेल तुला धनश्री बाळा? 4-5 मिनिटं राहिलेत. धनश्री आहे तू तिथे? ओके, चालेल. मी क्वेश्चन्स घेऊ थोडेसे, क्वेश्चन आन्सर विचारू तुम्हाला, थोडस इंटरेस्ट पण वाढतो ना. ओके, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट? व्हाट आर द मेथड्स विच आर यूज फॉर सीवेज ट्रीटमेंट? हाउ मेनी मेथड्स, कितने मेथड्स है टोटल? हाँ, 4 है. कौन कौन सी है नस? यस, बराबर है गायत्री, बराबर है शांभवी. जैसे आप राइटिंग करेंगे ना, हाँ, प्रिलिमिनरी, शाबाश. पहली हो गई प्रिलिमिनरी. प्रिलिमिनरी मतलब प्राइमरी चालू होने के पहले वाली, इसलिए उसे प्रिलिमिनरी कहा है. जैसे हम लोग बोर्ड का एग्जाम देने के पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम देते, तो पहले ट्रीटमेंट होने के पहले. हाँ, प्रिलिमिनरी के बाद कौन सा आएगा? प्राइमरी. प्राइमरी के बाद कौन सा आएगा? सेकेंडरी. और सेकेंडरी के बाद कौन सा आता है? टर्शरी. एकदम इजी है ना, ये 4 ट्रीटमेंट है, बराबर. प्रिलिमिनरी को भी फिर से 2 पार्ट में कंप्लीट किया है. हाँ, यस, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. प्रिलिमिनरी को भी 2 में कंप्लीट किया है. कौन से 2 है? एक पहले स्क्रीन हुआ, मतलब स्क्रीनिंग हुआ, और सेकंड वो चेंबर में पास किया है ना. ग्रेट, यस, थैंक यू अनस, गुड, नम्रता, छान. आणि प्रायमरी ट्रीटमेंट मध्ये एक्झॅक्टली काय होतं, कोणाला आठवत असेल तर? आपण प्रायमरी ट्रीटमेंट मध्ये काय केलं?
प्राइमरी ट्रीटमेंट मध्ये हाँ यस स्लज सेपरेट किया आणि ते जो इफ्लुएंट वॉटर होतं, जे इफ्लुएंट वॉटर मध्ये ऑर्गेनिक मटेरियल आहे, किती ऑर्गेनिक मटेरियल आहे 50-70% जे पण आहे ते सगळं कुठे पास केलं, डायरेक्टली सेकंडरी ट्रीटमेंट मध्ये पाठवलं. प्राइमरी ट्रीटमेंटचं नाव काय दिलंय, दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मेकॅनिकल ट्रीटमेंट, या तो उसे क्या नाम दिया फिजिकल, उसमें कोई बॅक्टेरिया यूज नाही हुए. ओके लेकिन जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, उस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या हो रहा है, उसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा है ना, उस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एक हाँ यस स्पेशल प्रोसीजर होती है, दैट इज एरिएशन, एयर दिया जाएगा और उस एरिएशन की वजह से और एक कुछ तो हो रहा है. हाँ यस बोलो. वो एयर देने की वजह से उस इफ्लुएंट का कुछ तो कम हो रहा है, उस इफ्लुएंट में से किसी का तो क्या बोलेंगे प्रपोर्शन कम हो रहा है, फ्लॉक ग्रो हो रहा है गायत्री, बरोबर है. पण तो फ्लॉक ग्रो होऊन तो काय खातो त्यातला, आपण हवा दिली ना, तर ती हवा कोण यूज करत, हा हवा म्हणजे ऑक्सिजन दिला, बरोबर आहे गायत्री, आणि तो ऑक्सिजन कोणी यूज केला, बराबर आहे, एरोबिक मतलब बॅक्टेरिया ने यूज किया ना, बराबर है अनस. लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ, व्हाट विल बी हैपन अबाउट दैट, ऑक्सीजन यूज करके क्या हुआ आगे, बीओडी कुछ था वर्ड, देखो बीओडी मैंने बोला था, बीओडी में क्या होता है, हाँ यस बरोबर आठवलं, बीओडी चा फुल फॉर्म लिहा कोणीतरी पटकन, कोणी शार्प असेल तर तो हा रिड्यूस होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो ऑक्सीजन की जो डिमांड है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म वो यूज करने की वजह से वो रिड्यूस हो गई उसमें से. अब वो जो इफ्लुएंट है, हाँ यस दैट इफ्लुएंट इज सेंड इन टू द नेक्स्ट टैंक नेक्स्ट ट्रीटमेंट, और उस नेक्स्ट ट्रीटमेंट को नाम दिया है टर्शरी ट्रीटमेंट, और टर्शरी ट्रीटमेंट में जो इफ्लुएंट आया वो क्लोरिनेटेड करके नेचुरल स्ट्रीम में छोड़ा गया. अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का थर्ड यूज हुआ. देखो हमारा पहला यूज क्या था, अगर किसी को जल्दी याद आता हो तो फास्टली फर्स्ट यूज क्या किया माइक्रोब्स का हमने, एज अ फूड माइक्रोब्स को हमने खाने की कोशिश की, डायरेक्टली ईट किया. सेकेंड किसके लिए, इंडस्ट्रियल लेवल के लिए, क्लियर, हाँ पहला फूड राइट, सेकेंड इंडस्ट्रियल लेवल, और थर्ड अब भी हमने जो पढ़ा वो क्या है, थर्ड माइक्रोब्स यूज्ड फॉर कौन से लिए लिया, सीवेज ट्रीटमेंट, थर्ड जो है वो सीवेज. अब फोर्थ देखो, दैट इज माइक्रोब्स इन एनर्जी जनरेशन, यस तो माइक्रोब्स को एनर्जी जनरेशन में कैसे लेंगे, एनर्जी कैसे क्रिएट करेंगे, माइक्रोब से एनर्जी क्रिएट होती है, ये तो थोड़ा टेक्निकली सुनने में भी ऑड लगता है, लेकिन एनर्जी की जगह अगर मैंने यहाँ पे बोला बायोगैस जनरेशन तो आप बोलेंगे हाँ ये चलेगा मैडम, माइक्रोब से हम लोग बायोगैस बना सकते हैं, बराबर है कि नहीं, लेकिन वो बायोगैस है ना तो वो गैस एनर्जी जनरेट कर सकता है, कैसे जनरेट कर सकता है, उस गैस से हम इलेक्ट्रिकल बल्ब लगा सकते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट है, जैसे सोलर लैंप है हमारा, सनलाइट से हमें लाइट मिलती है कि नहीं, तो वैसे ही इस बायोगैस से हम लोग लाइटनिंग कर सकते हैं, ये एनर्जी का सोर्स हो सकता है. तो उन्होंने कहा है माइक्रोब्स एज ए एनर्जी जनरेशन, तो माइक्रोब्स यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एज वेल एज ए इंडस्ट्रियल फ्यूल, नॉन कन्वेंशनल है, रिन्यूएबल है एंड सोर्स ऑफ एनर्जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो एनर्जी के सोर्स आएंगे उसमें से बायोगैस फॉर्म होगा, और ये जो बायोगैस है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा आपको सबको बोर्ड में, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोगैस, हाउ इट इज यूजफुल, हाउ इट इज इजी, हाउ इट इज नेसेसरी, व्हाई इट इज नेसेसरी. तो इट इज अ फ्यूल है, डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल का कचरा आएगा तो उससे भी बनेगा, इट इज नॉन कन्वेंशनल एंड रिन्यूएबल, फिर से फॉर्म हो सकता है, उससे एनर्जी मिलती है, एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोबियल फर्मेंटेशन. उसमें क्या है बायोगैस में क्या क्या, ये सेकंड क्वेश्चन बनेगा 1 मार्क के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट धनश्री, हे सगळे क्वेश्चन चांगले बनतील बघ. त्याच्यामध्ये मिथेन आहे 50-60%, कार्बन डायऑक्साइड 30-40%, H2S आहे 0.3% म्हणजे 0-3%, आणि अदर गॅसेस पण आहेत. हे झालं 1 मार्कला, व्हॉट इज प्रेझेंट इन बायोगॅस, अँड बायोगॅस इज हायली इन्फ्लेमेबल अँड इट इज यूज एज अ सोर्स